नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड. इफ द बलून वॉज एट हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड. सो जब ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा था कितना 7 मीटर पर सेकेंड से, उस टाइम एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया गया, तो बॉल की इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी? 7 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड. ठीक है, सो इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल विल बी हाउ मच? -7 मीटर पर सेकेंड. हम नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं, तो ऊपर वाली डायरेक्शन जो है दैट विल बी नेगेटिव. तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल इज -7 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, एंड हाइट इज गिवन टू बी हाउ मच? हाइट इज गिवन टू बी 60 मीटर. द बलून वॉज 60 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड. तो 60 मीटर हाइट है, वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. 60 इज इक्वल टू यू टी माइनस 70 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ए इज 9.8 इंटू टी स्क्वायर. सो 4.9 टी स्क्वायर माइनस 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, टी की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी पॉजिटिव और एक आएगी नेगेटिव. सो टाइम इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली एक्सेप्ट हो जाएगी. सो टी विल बी इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 49 माइनस 4 ए सी. सो इट विल बी प्लस 4 इंटू 60 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाई 2 ए, दैट इज 9.8. सो द वैल्यू विच विल बी एक्सेप्टेड इज 7 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी 49 प्लस 240 इंटू 4.9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.9 9.8. सो दिस कम्स आउट टू बी 4.3 सेकेंड. ठीक है, इसकी वैल्यू आती है 4.3 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल स्पीड ऑफ द स्टोन वॉज 28 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन. मैक्सिमम हाइट, तो u इज 28 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन विल बी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, एंड मैक्सिमम हाइट जब वो पहुंचेगा तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. तो वी नीड टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट. सो s विल बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज 28 इंटू 28 माइनस u स्क्वायर बाय 2g, 2 इंटू 10 माइनस. सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 14. दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटर. फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट. 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट, तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि कितनी देर बाद वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है. ठीक है, टाइम कितना लग रहा है मैक्सिमम हाइट 40 मीटर के लिए? तो v इज इक्वल टू u प्लस 80. सो t विल बी v माइनस u बाय 8, दैट इज 28 बाय 10 माइनस 28 बाय माइनस 10, राइट? इट विल बी 2.8 सेकेंड. तो 2.8 सेकेंड, और इसमें क्या पूछ रहे हैं? द टाइम, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम टाइम. 1 सेकेंड बिफोर, दैट इज 1.8 सेकेंड. व्हेन टी इज इक्वल टू 1.8 सेकेंड, यू नीड टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इज अगेन 28 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, 28 माइनस 10 इंटू 1.8, 28 माइनस 18, 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड. देन
Change does the answer of part D changes if the initial speed is more than 28 meter per second, such as 40 meter per second or 80 meter per second? Does the answer of part B actually changes? अगर initial speed कुछ और होती, suppose अगर initial speed u की जगह कुछ और होती, तो क्या ये वाला answer change होता है या नहीं? तो suppose हम generalized calculate कर लेते हैं. Generalized है initial speed कुछ u है, acceleration is g downwards and maximum height will be how much? S is equal to u. V, S is equal to V square minus U square by 2A. So this will be how much? V square 0, U square minus 2G. So maximum height will always be U square by 2G. And time taken to cover, time taken to go to reach to the maximum height will be V is equal to U plus AT. So T will be U by G. ठीक है, 1 second earlier, 1 second पहले का time कितना हो जाएगा? U by G minus 1, U by G minus 1 हो जाएगा. तो उस time पे जो final speed होगी वो क्या होगी? Final speed कितनी होगी उस time तक? V is equal to U plus G into T minus 1. So this will be, V is given to be U by G. हाँ, V तो calculate करना. This will be U plus GT, G into T minus 1 is U by G minus 1, G, U by G minus 1, so this will be how much? U, this is minus, G is minus, minus, so this is minus, this will be minus U plus G, U से U cancel, that is G, so final velocity, so there will be no change in the answer, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी बॉल को हमने कोई भी बॉल हमने बॉल को किसी भी अगर इनिशियल स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाती है मैक्सिमम हाइट में जाने के लिए सपोज उसे टी टाइम लगता है तो उससे 1 second पहले उसकी जो फाइनल स्पीड होगी वो हमेशा जी के बराबर होगी ठीक है सो इट इज जनरलाइज चाहे इनिशियल स्पीड कुछ भी हो वो वाला आंसर चेंज नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 A person sitting on the top of a tall building is dropping ball at regular interval of 1 second. Find the position of the third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. ठीक है। एक particular height से हर एक second पे ball drop की जा रही है। Suppose ये first ball पहले first ball को drop किया, ठीक है? फिर second ball को drop किया 1 second बाद। फिर थर्ड बॉल को ड्रॉप किया, फोर्थ बॉल को ड्रॉप किया, फिफ्थ बॉल को ड्रॉप किया, और फिर सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप किया। जब इन्होंने सिक्स्थ बॉल, जब वो सिक्स्थ ड्रॉप बॉल ड्रॉप कर रहे थे, उस टाइम पे, we need to calculate the distance of all third, fourth and fifth ball from the sixth ball, ठीक है? तो फर्स्ट बॉल जो है, वो यहाँ कहीं पहुँची होगी, ठीक है? उसके बाद सेकंड बॉल थोड़ा और ऊपर, थर्ड बॉल थोड़ा और ऊपर फोर्थ बॉल थोड़ा और ऊपर, फिफ्थ बॉल थोड़ा और ऊपर और सिक्स्थ बॉल स्टार्टिंग में जब सिक्स क्योंकि टाइम कब का लिया गया है फाइंड द पोजीशन व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड तो यहां से ये फेंका गया जब सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहे होंगे तब तक फर्स्ट बॉल को कितना टाइम हो चुका होगा फर्स्ट पहले इसे किया फिर आफ्टर 1 second लेटर इसे ड्रॉप किया उसके 1 second बाद इसे ड्रॉप किया, उसके 1 second बाद इसे, 1 second बाद इसे, then उसके 1 second बाद इसे ड्रॉप किया, ठीक है? तो first second, second second में इसे ड्रॉप किया, third second में इसे, fourth second में इसे, fifth second में इसे और sixth second में इसे ड्रॉप करने वाले थे। So What is the distance covered by third ball? सबसे पहले third ball कितना distance cover करेगी? Distance covered by third ball. Would be how much? Third ball जो था, third ball जो है, उसे third second में drop किया गया.
ठीक है, थर्ड सेकेंड में, फिर उसके बाद फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, सिक्स्थ सेकेंड, तो कितना टाइम लगा? ये इंटरवल कितने का होगा? ये जो इंटरवल है, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड, ये इंटरवल 3 सेकेंड का होगा, 3 सेकेंड का होगा। तो थर्ड बॉल में टाइम कितना लगा होगा? 3 सेकेंड। जब तक थर्ड बॉल यहाँ पहुँची उसको 3 सेकेंड का टाइम लगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड वी नीड टू कैलकुलेट डिस्टेंस। ए इज इक्वल टू जी, सो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए 9.8 इंटू टी स्क्वायर 9। सो दिस कम्स आउट टू बी 44.1 मीटर, 44.1 मीटर। फोर्थ बॉल के लिए कितना टाइम था? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का इंटरवल। तो फोर्थ बॉल के लिए एस विल बी यू टी, यू इज जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर, सो दिस विल बी हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर विल बी हाउ मच? 4, 2 इंटू 2, 4, सो दिस विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच? 19.6 मीटर पर सेकेंड। एंड फॉर फिफ्थ बॉल को कितना टाइम हो जाएगा तब तक? ये वाला इंटरवल, 1 सेकेंड का इंटरवल, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर 1, सो दिस विल बी 4.9 मीटर। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सिक्स्थ बॉल, डिस्टेंस ऑफ थर्ड बॉल फ्रॉम द सिक्स्थ बॉल विल बी हाउ मच? 44.1 मीटर। फोर्थ बॉल का डिस्टेंस सिक्स्थ बॉल से रहेगा 19.6 मीटर और फिफ्थ बॉल का डिस्टेंस सिक्स्थ बॉल से 4.9 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ प्लेस अंडर अ बेरी ट्री ऑन विच अ बर्ड इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 12.1 मीटर। At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet, give the distance from the tree at that instant, will receive the berry on his uniform? जब इन्होंने स्टार्ट किया जाना, तब यहाँ से एक बेरी को ड्रॉप किया गया, ठीक है? From a height of 12.1 meter. Velocity of cadet is given to be 6 km per hour. Okay, so you need to calculate कि यहाँ से कितने distance में, जब ये यहाँ पे drop करेगा, जब ये berry नीचे पहुँचेगी, तब ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा, let's say इतना आगे बढ़ चुका होगा, और berry यहाँ drop कर रही है, berry यहाँ पे आके गिर रही है, तो हमें ये distance बताना है, ये distance क्या होगा x, ठीक है? तो बेरी को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? इनिशियल स्पीड है जीरो, एक्सेलरेशन है जी, और डिस्टेंस दे रखा है 12.1 मीटर। सो टाइम विल बी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इज हाउ मच? एस इंटू 2 बाय जी अंडर रूट, सो दिस विल बी अंडर रूट 24.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8, दिस विल बी अंडर रूट दिस वैल्यू, टी विल बी इक्वल टू दिस मच। ओके, अब इतने टाइम तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा? एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, सो एक्स विल बी हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ कैडेट दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, उसे कन्वर्ट करो 6 × 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड इंटू दिस मच सेकेंड, अंडर रूट ऑफ 4 एंड 48.4 डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड, सो एक्स विल कम आउट टू बी 2.62 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, 2.62 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। An elevator is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at the moment the elevator starts. The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped.
The person observes that the coin strikes the floor 1 second later. Calculate from these data the acceleration of the elevator. ये एलिवेटर है, ये नीचे की तरफ आ रहा है कुछ एक्सेलरेशन ए से सपोज, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करने के लिए जो इस एलिवेटर के अंदर है उसने क्या किया, एक कॉइन को ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 6 feet। उसने एक कॉइन को ड्रॉप किया, तो जब वो कॉइन ग्राउंड को टच करता है, एलिवेटर के बेस को टच करता है, उस बीच के टाइम इंटरवल में उसने उसने कितना ये कैलकुलेट कर लिया कि उस कॉइन को ग्राउंड को टच करने में कितना टाइम लगता है, और उससे उसने एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो हमें भी वही करना है, ठीक है। सो अभी ये एलिवेटर यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है ए से, कुछ देर बाद ये एलिवेटर कहाँ पे होगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कॉइन है, अभी ये 6 feet की डिस्टेंस पे, कुछ देर बाद जब ये कॉइन यहाँ पे होगा, यहाँ पे बेस पे, तब ये कुछ लेट से कुछ एक्स डिस्टेंस ये नीचे आ चुका होगा। ये जो डिस्टेंस है, ये कुछ एक्स डिस्टेंस ये नीचे आ चुका होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस एक्स होगा और ये डिस्टेंस भी एक्स ही होगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कॉइन बाय दैट टाइम विल बी हाउ मच, 6 feet प्लस एक्स फीट। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट टाइम वुड बी 6 feet प्लस एक्स फीट, राइट। एंड टाइम इज गिवन टू बी 1 second, टाइम 1 second दे रखा है, राइट। द पर्सन ऑब्जर्व्स दैट द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 second। सो फॉर कॉइन इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज जी, एंड टाइम इज 1 second, एंड डिस्टेंस इज गिवन टू बी एक्स प्लस 6 feet, एक्स प्लस 6 feet। सो वी इज इक्वल टू यू, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT² लगेगा। सो एक्स प्लस 6 feet इज इक्वल टू यू टी, यू टी विल बी 0, 1/2 AT², टी स्क्वायर विल बी 1 इंटू जी। सो 1 feet इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.3 meter, 1 feet 0.3 meter के बराबर होता है। तो x प्लस 6 feet विल बी इक्वल टू 1/2 × g, 1/2 इंटू जी इज 9.8, सो 9.8 डिवाइडेड बाय 0.3 feet, सो x विल बी हाउ मच, x विल बी 9.8 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस 6 feet, ये x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू हमें पता चल गई, लिफ्ट 1 second में a एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, तो लिफ्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, लिफ्ट के लिए 0, 0 से इनिशियल वेलोसिटी 0 से है ना, रेस्ट से स्टार्ट किया, एंड देन एक्सेलरेशन फॉर लिफ्ट इज a, टाइम इज 1 एंड डिस्टेंस कवर्ड इज x। सो x इज इक्वल टू, x विल बी इक्वल टू हाउ मच, x विल बी इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT², 1/2 AT², सो a विल बी 2x डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, सो a विल बी 2 इंटू t स्क्वायर विल बी 1, 9.8 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस कम्स आउट टू बी 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। अ पॉपुलर गेम इन इंडियन विलेज इज गोली विच इज प्लेड विथ स्मॉल ग्लास बॉल्स कॉल्ड गोलीज। द गोली ऑफ वन प्लेयर इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 meter फ्रॉम द गोली ऑफ द सेकेंड प्लेयर। दिस सेकेंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ हिज गोली।
holding the goalie between his two middle fingers and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height from which the goalie is projected is 19.6 cm from the ground and the goalie is to be projected horizontally, with what speed should it be projected so that it directly hits the stationary goalie without falling on the ground earlier? कांच की गोली, इसका मतलब होता है कंचा, ठीक है? तो कंचा कैसे खेलते हैं पता है? देखो, सपोज ये कंचा रखा हुआ है, ठीक है? तो उसे दो यहाँ पे बीच में रख के, दो मिडिल फिंगर के बीच में रख के और थंब को ग्राउंड में रख के ऐसे फेंका जाता है, कुछ ऐसे ही किया जाता है. तो कुछ हाइट से उसे फेंका जाता है, तो उसे सपोज किसी हॉरिजॉन्टल स्पीड यू से फेंका जा रहा है, तो अगर ये वाली गोली इस गोली को टच कर जाती है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले अगर ये गोली सीधे इस गोली को टच कर जाती है या ये कंचा सीधे इस दूसरे कंचे को टच कर जाता है, तो क्या होता है कि ये जो पहला वाला है ये जीत जाता है. सो द क्वेश्चन इज विथ व्हाट स्पीड शुड इट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डायरेक्टली हिट्स द स्टेशनरी गोली विदाउट फॉलिंग ऑन द ग्राउंड अर्लियर. सो दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी 2 मीटर. और क्या दे रखा है? इनिशियल स्पीड यू एंड दिस हाइट इज गिवन टू बी 19.6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए? इसको वर्टिकल डिस्टेंस पे देखो, वर्टिकल डिस्टेंस पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. वर्टिकल डिस्टेंस पे वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and distance is given to be 19.6 centimeter, that is 19.6 divided by 100 meter. So what will be the time? T is equal to ut plus half at square, s is equal to ut, u will be 0, ut plus half at square, 9.8 into t square. So t will be 2 divided by 9.8 into s. 19.6 is 9.8 into 2 divided by 100. So this will be how much? 9.8 cancel, 2 is equal to 0.2 second. तो 0.2 second में उसे कितने का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जब वो नीचे आ रही है? इसका पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए. तो हाइट कवर्ड इज दिस मच, तो जितना टाइम उसे यहाँ से यहाँ आने में लगेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड करने में भी उसे उतना ही टाइम लगेगा, 0.2. सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 0.2 इनटू, नो सॉरी, इट्स स्पीड विल बी, स्पीड विल बी हाउ मच? डिस्टेंस अपॉन टाइम. उसे कितना डिस्टेंस कवर करना है? 2 मीटर, एंड टाइम इज 0.2. सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड. इतनी उसकी हॉरिजॉन्टल, इतनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन ऑर्डर टू हिट द गोली. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. फिगर शोज 11.7 फीट वाइड डिच विद द अप्रोच रोड्स एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड अ मोटर बाइक बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉसेज द डिच. सो ये दे रखा है 15 डिग्री, ये भी है 15 डिग्री, ठीक है, और बीच में इतना डिच, इतना का डिस्टेंस उसे, इतना डिस्टेंस उसे कवर करना है. तो जब वो यहाँ पे सपोज कुछ यू स्पीड से जा रहा है, तो इसका मोशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो यहाँ पे गिरे सीधे आके, मतलब उसका जो रेंज है, रेंज दैट शुड बी इक्वल टू 11.7 फीट. द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन शुड बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे व्हीकल का जो मोशन होगा वो किस टाइप का होगा? कुछ इनिशियल स्पीड है यू, दिस एंगल इज हाउ मच? 15 डिग्री, एंड इट विल बी लाइक दिस. वो दूसरे की तरफ, दूसरी तरफ लैंड करना चाहिए, ठीक है? तो इन दिस केस इसका रेंज कितना हो जाएगा? डिच के विड्थ के बराबर. दिस इज द डिच, तो इस डिच का जितना भी, जितनी जितने मीटर ये वाइड है उतना उसका रेंज होना चाहिए. दिस इज 11.7 फीट वाइड. सो रेंज इज हाउ मच? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. दिस शुड बी इक्वल टू 11.7 फीट. सो
यू स्क्वेयर साइन टू थीटा साइन 30 डिग्री बाय 2g इज इक्वल टू 11.7 फीट. सो यू स्क्वेयर कम्स आउट टू बी 11.7 × 2 × 9.8 डिवाइडेड बाय 0.3 फीट. ओके, 1 फीट इज हाउ मच, 0.3 मीटर. ठीक है, यहाँ से ये कन्वर्जन आया तो यू की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 28 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यू विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 28 मीटर पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. इन अ सॉकर प्रैक्टिस सेशन द फुटबॉल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द फील्ड 40 yards फ्रॉम द 10 feet हाई गोल पोस्ट. A goal is attempted by kicking the football at a speed of 64 feet per second at an angle of 45 degree to the horizontal. Will the ball reach the goal post? देखो, बॉल जो है वो गोल पोस्ट से 40 yards के दूरी पे है, राइट? 40 yards. 40 yards इज इक्वल टू हाउ मच? 120 feet अप्रॉक्सीमेटली. 120 feet, ठीक है. 120 फीट के बाद ये गोल पोस्ट है जिसकी हाइट है 10 फीट. तो वी नीड टू टेल कि जब इसे कुछ 64 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो क्या ये गोल पोस्ट को हिट कर पाएगी या नहीं. ठीक है, विल इट बी एबल टू रीच द गोल पोस्ट और नॉट. तो इसका जो मोशन होगा, इसका ट्रैजेक्टरी कैसा होगा, इस बॉल का ऐसा होगा. ठीक है, ये है उसकी रेंज. अब अगर रेंज गोल पोस्ट रेंज के बाद आएगा, अगर गोल पोस्ट रेंज के बाद आएगा तो वो तो वैसे ही गोल पोस्ट तक नहीं पहुंच पाएगी. तो सबसे पहले रेंज निकालो. इसका रेंज कितना हो जाएगा? यू स्क्वेयर साइन 2θ/g. तो u इज 64 × 64, साइन 2θ इज 1/2. सॉरी, साइन 2θ विल बी 1. यू स्क्वेयर साइन 2θ/g. साइन 2θ साइन 90 डिग्री विल बी 1 डिवाइडेड बाय जी. जी विल बी 9.8 डिवाइडेड बाय 0.3. 0.3 क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 1 फीट इज इक्वल टू 0.3 मीटर. सो 1 मीटर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 डिवाइडेड बाय 0.3 फीट. तो हमने इसको फीट, ये अभी एक्सेलरेशन जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दे रखा होता है, तो इसको हमने फीट पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया. सो वी हैव डिवाइडेड इट बाय 0.3. सो दिस कम्स आउट टू बी 125 फीट अप्रॉक्सीमेटली. अब ये 120 फीट है और ये 125 फीट है, मतलब कि गोल पोस्ट कहाँ आ रहा है? यहाँ कहीं आ रहा है. तो रेंज से तो हम बता सकते हैं कि ये इट विल रीच द गोल पोस्ट, क्योंकि रेंज इसकी है 125 मीटर और गोल पोस्ट जो है वो यहाँ से 120 मीटर के डिस्टेंस पे है. ठीक है, अब दूसरा फैक्टर क्या होता है? सपोज 120 मीटर के बाद पहला केस हम कंसिडर करते हैं. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जब ये 120 मीटर की डिस्टेंस में होगी यहाँ से, तब उस बॉल की जो हाइट है वो विद इन 10 फीट हो. और ऐसा भी हो सकता है कि इट इज़ मोर देन 10 फीट. सो व्हेन द हाइट इज़ विद इन 10 फीट, यहाँ पे सपोज टी टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुँचती है. ठीक है, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट इट. आपको पहले टाइम टी कैलकुलेट करना है, यहाँ तक जब वो पहुँचेगी उसका टाइम कैलकुलेट करना है. उस टाइम पे उसकी क्या हाइट होगी वो कैलकुलेट करना है. अगर वो हाइट आफ्टर टाइम टी, सपोज यहाँ से ए से लेके बी तक जाने में उसको टाइम टी लग रहा है, टाइम टी. ठीक है, इस पोजीशन से उस पोजीशन में जाने के लिए उसको टाइम टी लग रहा है 120 मीटर दूर जाने में. तो उस टाइम टी पे यू नीड टू कैलकुलेट द हाइट. अगर वो हाइट, इफ दैट हाइट कम्स बिटवीन, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 10 फीट, अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस आंसर विल बी येस. एंड इफ हाइट इज
ग्रेटर देन 10 फीट तो वो गोल पोस्ट को टच नहीं कर पाएगी ना उसके नीचे से जा पाएगी. तो इन दैट केस आंसर विल बी नो. सो इफ यू विल कैलकुलेट यू विल फाइंड द हाइट बिटवीन 0 to 10 फीट. ओके सो द आंसर विल बी यस इट विल रीच द गोल पोस्ट. ओके.